के भाईजान सलमान खान का कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस हर बार प्रतियोगियों की लड़ाई के कारण विवादों में रहता था, लेकिन इस बार ये शो कुछ और ही कारणों के चलते मुश्किलों में आ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जान कुमार सानू ने मराठी भाषा पर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद शिवसेना ने बिग बॉस 14 के मेकर्स को शूटिंग रोकने की धमकी दे डाली थी। शिवसेना की धमकी के बाद जान कुमार सानू ने नेशनल टेलीविजन पर मराठी भाषा का अपमान करने के लिए माफी मांगी थी, जिसके बाद ये मामला खत्म हुआ था। इसके बाद बिग बॉस 14 के मेकर्स को करनी सेना की तरफ से धमकी मिली है। बिग बॉस 14 ने हाल ही में एक प्रोमो रिलीज किया था, जिसमें एजाज खान और पवित्रा पुनिया किस करते नजर आ रहे थे। करनी सेना ने इसी प्रोमो के चलते बिग बॉस 14 के मेकर्स को धमकी दी है। करनी सेना का आरोप है कि बिग बॉस 14 के मेकर्स देश में लव जिहाद प्रमोट कर रहे हैं। करनी सेना ने भाईजान के शो पर एडल्ट कंटेंट को प्रमोट करने का भी आरोप लगाया है। बिग बॉस 14 के हर ताज़ा खबर देने वाले ट्विटर अकाउंट बिग बॉस तक ने करनी सेना के द्वारा जारी किया गया बयान शेयर किया है। आपको बता दें कि सलमान खान का शो बिग बॉस 14 इस बार वैसी टीआरपी नहीं जुटा पा रहा जैसी उसे उम्मीद थी। बीते साल बिग बॉस ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, लेकिन इस बार शो ठंडा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर से बिग बॉस 14 को लेकर हो रहे विवाद मेकर्स की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वैसे आपके अनुसार बिग बॉस 14 लव जिहाद प्रमोट कर रहा है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।